जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपी सिटी न्यूज को। शहर में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुहर्रम के पर्व में लोग बड़ी और छोटी कर्बला में जाकर ताजिया दफन करते हैं, इसका साथ ही मातम करते हैं, जो कि काफ़ी संख्या में लोग होते हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के पर्व को लेकर मुस्लिम समाज में बड़ा ही उत्साह रहता है। आज रविवार को मुहर्रम की 10 तारीख है, जिसमें समाज के लोग बड़ी और छोटी कर्बला में जाकर ताजिया दफन करते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते यहाँ गमी का पर्व और गमी में बदल गया है। जहां शहर भर में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार फ्लैग मार्च कर लोगों से अपील की जा रही है कि सभी शहरवासी मुहर्रम के पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। इसी क्रम में एडीजी जय नारायण सिंह ने बताया कि मुहर्रम को लेकर पहले ही धर्मगुरुओं के साथ बैठक हो चुकी है, जिसमें कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसके चलते शहरवासी मुहर्रम के पर्व में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। वहीं जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसको देखते हुए लोग बड़ी शांति से कुछ रखी गई ताजियों को ठंडा कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने जुलूस निकालने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष है, लेकिन बीमारी को देखते हुए प्रशासन का यह आदेश मान गए हैं। आज मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। कल 9 तारीख को मुहर्रम के दिन हुसैन साहब की शहादत हुई थी। जब से यहाँ प्रथा चलती आ रही है कि याद में 5 मुहर्रम से लाखों की तादाद में पैगी बनते हैं और 5 दिन बराबर पैगी का जुलूस निकाला जाता है। हाथों में तलवार लेकर कमर में बांध कर शहर में पैगी निकालते हैं, लेकिन प्रशासन की रोक के बाद अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है।